मेरे को याद है बच्चों, जब हम स्टूडेंट थे और हमारा क्लास प्रेप में एडमिशन हुआ था लगभग 1984 में, पैदावार है 1980 की, और इसके पहले एक वो प्ले ग्रुप स्कूल में जाते थे, और लगभग 1982.5 है ये क्या होता है सर, मतलब जब 2.5 साल के हो गए, तो माई सिस्टर यूज टू गो टू स्कूल, एल्डर सिस्टर, तो मैं जिद करता था मैं भी स्कूल जाऊंगा, तो मैंने लगभग 2.5 साल की उम्र में स्कूल जाना चालू कर दिया। और मेरे खानदान में, या इवन आपके खानदान में, मेरे से ज्यादा कोई स्कूल नहीं गया होगा। खोपड़े में बात गई, लगभग 42.5 साल होने वाले स्कूल जा ही रहा हूं तब से, ऐसी आदत लगी स्कूल जाने की छूट ही नहीं पाई। तो मैं तो अपने परिवार में गर्व से बोलता हूँ, जितना मैं स्कूल गया उतना कोई स्कूल नहीं गया, चाहे तो कंपटीशन कर लो। ओके, तो ये प्री प्राइमरी तक का स्कूल था, फिर माता पिता ने एडमिशन करा दिया सेंट जोसेफ कॉलेज इलाहाबाद में, यहाँ जाने लग गए, बढ़िया पढ़ाई लिखाई चल रही थी। क्लास टू जैसे ही पास किया, पता लगा कि भाई लेटर राइटिंग कोर्स में आ गया है। व्हाट? लेटर राइटिंग हिंदी में भी आ गया था, इंग्लिश में भी आ गया था। हिंदी में तो होता है सेवा में प्रिय गुरुजी, प्रिय माताजी, चंडाल दोस्त जी, समझ में आ गया, आपका भवदीय, ये सब। तो लेटर राइटिंग वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, और यही लेटर आता था कि भाई आप गर्मी की छुट्टी में नानी माँ के यहाँ जाना चाहते हैं तो उनको पहले एक इंफॉर्मेशन दे दीजिए कि भाई हम आपके यहाँ आएंगे चिट्ठी पत्री के थ्रू। आज अगर आप इंफॉर्मेशन देना चाहें लेटर के थ्रू, तो पहले आप लेटर लिखिए। 90% तो लिख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ना हिंदी लिखनी आती है ना इंग्लिश लिखनी आती है जाहिलों गवारों को, जो 10वीं का स्टैंडर्ड हो गया है, 2-4 लाइन से ऊपर कभी आंसर लिखे ही नहीं, तो इसलिए ज्यादा लिखते हैं तो औकात सामने चली आती है। ओके, खोपड़े में बात गई। तो इन दैट केस लेटर राइटिंग बड़ी सिखाई जाती थी उस जमाने में, तब कहाँ इंटरनेट वगैरह होता था, मतलब इंटरनेट होता लग्जरी में ऐसा भी नहीं बोल सकता, इंटरनेट होता ही नहीं था बेसिकली, तो लेटर वगैरह लिखते थे। और रियलिटी में भी रक्षाबंधन में लेटर लिखे जाते थे, पोस्ट ऑफिस का वो जो डिब्बा होता था रेड कलर का, आज तो नजर ही नहीं आता, शायद आपने शायद देखा भी नहीं होगा, बच्चे कहें हाँ सर देखा सर, हिस्ट्री किताब में देखा था सर हमने, अब वो हिस्ट्री किताब में चला गया है, सड़क से उठाकर उसको हिस्ट्री किताब के अंदर डाल दिया गया है। तो उसके अंदर हम लोग लेटर पूरा जब लिखते थे एनवलप में डालते थे, ऊपर स्टैंप लगाते थे, स्टैंप इज द चार्जेस जो आप सरकार को देते हो आपकी चिट्ठी पहुंचाने का। और इतना बकवास सिस्टम था हिंदुस्तान में, पता लगा 1984 में किसी ने चिट्ठी लिखी वो 2014 तक नहीं पहुंच पाई। तो उसके बाद एडवेंट हो गया कोरियर कंपनीज का, इनकी स्पीड थोड़ी सी तेज हो गई। तो हिंदुस्तान में तो भाई सिंपल सी बात है, लैकनेस ऑफ पब्लिक सेक्टर इज द ग्रोथ ऑफ प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर जहां जहां लैक करेगा प्राइवेट सेक्टर वहां धंधा ले लेगा। तो कोरियर सर्विसेज चालू हो गई, समझ में आई बात। अब कोरियर सर्विस में बड़ा सामान भेजना तो थोड़ा अच्छा लगता था, जब इंटरनेट आ गया तो लोग कम्युनिकेशन कैसे करने लग गए, सबसे पहले ईमेल। तो अगर आपने 1984 में मान लीजिए 2 फरवरी को दिन में 11 बजे नानी माँ को लेटर लिखा सवेरे मतलब, और इसको पोस्ट कर दिया, बहुत जल्दी भी बच्चों ये पहुंचेगा ना, बहुत जल्दी, मैं चैलेंज करता हूं ये 9 फरवरी से पहले नहीं पहुंचेगा, एक हफ्ता तो लगेगा ही लगेगा। और ईमेल जाने में शायद 9 नैनो सेकेंड्स भी अगर मैं बोलूं तो आपको ज्यादा लगता होगा, बस आपने बटन दबाया एंटर का, झट से ईमेल चला गया। तो ईमेल के आने से कम्युनिकेशन फास्ट हुआ या स्लो हुआ? फास्ट, बट लोगों के रिश्ते स्लो हो गए। पहले कभी भी किसी घर चले जाओ कोई टेंशन की बात नहीं है, अब तो फोन करके पूछते हैं, व्हाट्सएप करके पूछते हैं, आ जाऊं, नहीं भाई हम हैं नहीं, हम घर के बाहर हैं। कहाँ है घर के बाहर? हम छत पे हैं, वो भी तो घर के बाहर ही हुआ एक तरह से। इज दैट क्लियर? तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस कि भाई जीवन बदला, दुनिया बदली, लोगों के पास काम ज्यादा समय कम, डाइल्यूशन हो गया रिलेशनशिप्स में। तो टेक्नोलॉजी के बढ़ने से यहां पे भी चेंजेस आए, यहां पे मतलब हमारे स्टॉक मार्केट में। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, प्रायर 1992 देयर वॉज नथिंग इन इंडिया कॉल्ड एज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वी हैड ओनली एंड ओनली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सिस्टम ये चलता था कि 12 बजे से 2 बजे तक सिर्फ ट्रेडिंग होती थी, दिन के 2 घंटे, दैट्स इट। पूरा का पूरा काम मैनुअल था, ऑटोमेटिक था ही नहीं, खूब चोरी चमारी होती थी उसके अंदर, तभी तो हर्षद मेहता टाइप लोग कांड कर गए। कंप्यूटराइज रिकॉर्ड होता तुरंत पता लग जाता कहां गड़बड़ी हो रही है, सॉफ्टवेयर होता आपको इंडिकेशन देता, इज दैट क्लियर? तो मैनुअली सारा काम हुआ करता था। अगर आपने 2 फेब को शेयर खरीदा, वो शेयर खरीदने से लेकर आपके घर तक सर्टिफिकेट आने में कम से कम 15 दिन का समय भी अगर मैं बोलूं तो कम था, इट यूज टू टेक 15 डेज फॉर सेटलमेंट, शेयर सर्टिफिकेट तो और 15 दिन बाद आएगा, मतलब 2nd ऑफ मार्च।
तो अगर आप 2 फरवरी को शेयर खरीदते हैं तो 2 4 5 6 दिन तो लगेगा आपकी चेक क्लियर होके पैसा जाने में, बैंक में इतना टाइम लग जाता था क्योंकि भाई काम मैनुअल था, समझ में आ रही बात। और उसके बाद फिर आपका पैसा आपके ब्रोकर के पास जाएगा, ब्रोकर आगे पैसा भेजेगा, फिर पैसा उनके पास जाएगा, फिर वहां से शेयर आएगा, तो लगभग 1 महीने का टाइम लग जाता था आपकी बाइंग डेट से शेयर आने में या आपकी सेलिंग डेट से पैसा आने में। ये तो मैं बता रहा हूं आपको, मतलब एकदम स्टार्टिंग की 70s और 80s की। उसके बाद सिस्टम थोड़ा सुधरा, थोड़ा डेवलपमेंट हुआ, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने थोड़ा काम वाम तेज कर दिया और एक सिस्टम आ गया T+5 days का। मैं आपको रोलिंग सेटलमेंट सिखा चुका हूं कि अगर आप मंडे को ट्रेड करते हैं, ये हो गया टी डे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड मंडे, 1 2 3 4 5, तो मतलब मंडे वाला ट्रेड कब सेटल होगा? अगले मंडे को। तो कहां 30 दिन बाद ट्रेड होता था, 30 दिन के बाद सेटल होता था, फिर वो 5 दिन हो गया। ईयर 2000 में ये रिड्यूस होके हो गया T+3 days, मतलब मंडे वाला काम कब सेटल हो जाएगा? थर्सडे को। उसके बाद ये कम होके हो गया T+2, मतलब मंडे वाला काम कब सेटल होगा? और अब जो सिस्टम चल रहा है दैट इज T+1, और बहुत जल्दी आप सुनेंगे इंडिया वर्ल्ड की पहली ऐसी कंट्री बनने वाली है, आप आज शेयर खरीदेंगे आज ही आपको मिल जाएगा और आज ही आपके अकाउंट से पैसा जाएगा। वैसे पैसा तो आज ही चला जाता है, बट शेयर आने में अभी भी कम से कम 2 दिन लगता है, 1 दिन लगता है, बट वो काम कर रहे हैं लोग इसके ऊपर, वो अब T+0 होने वाला है। खैर ये सब चीजें तो बात की है, हमारा टॉपिक ये नहीं है। हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक ये है कि भाई जैसे चिट्ठी पत्री जाने में इतना टाइम लगता था, तो इस सिस्टम को आसान करने के लिए हम कौन सी टेक्नोलॉजी में आ गए? ईमेल। मतलब हमने लेटर लिखा, उस लेटर को हमने क्या किया बच्चों? स्कैन किया। स्कैन करने के बाद पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट किया, और उसके बाद अटैच करके क्या कर दिया? ईमेल भेज दिया। काम झटपट हो गया। तो सर्टिफिकेट आने में पहले बहुत टाइम लगता था, फर्स्ट प्रॉब्लम, मैनुअली जब होता था सर्टिफिकेट आने में बहुत टाइम लगता था। हो सकता है कि आपको फर्जी सर्टिफिकेट भेज दिया गया हो, पता नहीं वो ओरिजिनल था कि डुप्लीकेट था, फोर्जरी बहुत ज्यादा होती थी। लाइक अगर आपको किसी से पैसे लेने हैं और किसी ने डुप्लीकेट नोट आपको दे दी, तो क्या पैसा मिला आपको एक तरह से? नो। तो डिजिटल पेमेंट आसान है या मैनुअल पेमेंट आसान है? डिजिटल, डुप्लीकेट नोट तो ही आएगा कम से कम, तो फोर्जरी हुआ करती थी उस जमाने में, टाइम बहुत लगता था क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट को लीगल बनाना था तो हमें स्टैंप चार्जेस देने पड़ते थे सरकार के। इन सब चीजों में प्रॉब्लम अलग अलग और भी थी, पोस्टल डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम, शेयर सर्टिफिकेट आपके घर आना था, उन नालायकों ने पड़ोसी घर में भेज दिया, इज दैट क्लियर? पड़ोसी घर में भेज दिया। तो दीज वर द बेसिक प्रॉब्लम अटैच्ड। तो जब 1992 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की उत्पत्ति हुई, तो बोला गया कि भाई जो भी शेयर्स का एंड मनी का मूवमेंट होगा या स्टोरेज होगा, लेट अस मेक इट डिजिटल। तो अभी आपने जब लास्ट ईयर बच्चों 10वीं क्लास पास की होगी, तो आपकी मार्कशीट डिजिटली आपको मिली डिजी लॉकर में, कहां पे? एग्जैक्टली उसी डिजी लॉकर में। अगर सिर्फ और सिर्फ हम अपने शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, इस तरह के चीजों को स्टोर करें डिजिटली, तो हम इसको बोलते हैं डीमैट अकाउंट। क्या बोलते हैं? डीमैट अकाउंट। और डीमैट का बच्चों फुल फॉर्म होता है डी मटीरियलाइजेशन। तो अगर आपके पापा के पास पुराने जमाने के कुछ सर्टिफिकेट ऑफ शेयर्स पड़े हैं और वो उन्हें बेचना चाहते हैं, तो पहले उनको क्या करना पड़ेगा? पीडीएफ बनाना पड़ेगा। अरे सर ये क्या आप मजाक कर रहे हैं? नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सही बोल रहा हूं। पापा को पहले उन सारे फिजिकल सर्टिफिकेट्स को कराना पड़ेगा डीमटेरियलाइजेशन। कैसे होगा सर ये? ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। अगर आपको किसी को ईमेल भेजना है, तो पहले एक ईमेल अकाउंट बनाना पड़ेगा ना। तो आप किसी ब्रोकर को संपर्क करेंगे, जैसे जीरोधा, ये सब तो चोर टाइप के हैं, किसी मैनुअल ब्रोकर के पास ही चले जाइएगा, कोटक सिक्योरिटीज, मोतीलाल ओसवाल वगैरह वगैरह ढेर सारे। मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, ओके? अपनी समझ के हिसाब से, जो अच्छी सर्विस दे आपके हिसाब से, पैसा ठीक ठाक ले, आप अफोर्ड कर सके, उस दलाल के पास चले जाइए। वो ब्रोकर आपसे एक फॉर्म भरवाएगा, सारे आपके डिटेल लेगा और आपको एक डिजिटल मेंबरशिप दे देगा।
और बोलेगा लीजिए आपका डीमैट अकाउंट खुल गया, जस्ट लाइक योर ईमेल अकाउंट, इज दैट क्लियर? अब अगर आपके पास कुछ फिजिकल शेयर्स पड़े हैं तो आप वो ब्रोकर को दीजिए, एक फॉर्म भरेंगे आप, उस फॉर्म को बोलते हैं डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म, क्या बोलते हैं बच्चों? उस फॉर्म में शेयर्स का सारा एक्सप्लेनेशन आपको देना होगा, सीरियल नंबर, किस कंपनी के हैं, कब आपने खरीदे, वगैरह वगैरह वगैरह। ये डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म भर के भेज दिया जाएगा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास, किसके पास बच्चों? और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज जो है वो मैच करेगा कि भाई आपका डेटा सही में कंपनी में है, कहीं फर्जी सर्टिफिकेट लगा के तो आप नहीं शेयर बनवाना चाह रहे, मैच हो गया, हाँ ठीक है, आपके सर्टिफिकेट्स को फाड़ दिया जाएगा और उतने ही सर्टिफिकेट्स का डेटा डिजिटली आपके इस टेक्निकल डिवाइस के अंदर डाल दिया जाएगा। समझ में आ गया? अन्नपूर्णा जी, घर वालों के मुंह पे टेप लगा दीजिए, दे आर डिस्टर्बिंग अलॉट। चलिए, तो अब टेक्निकली इस डिजिटल रिकॉर्ड में आपके सारे शेयर्स आ गए, तो इसी डिजिटल रिकॉर्ड को क्या बोलते हैं? डीमैट अकाउंट, एकदम ईमेल अकाउंट है, समझ लीजिए, इज दैट अंडरस्टूड? तो आपके सारे के सारे शेयर्स का क्या हो गया? डीमटेरियलाइजेशन, समझ में आ गया? अब आपको और किसी कंपनी का शेयर खरीदना आईपीओ में, तो वो कंपनी आपसे पूछेगी फिजिकल सर्टिफिकेट चाहिए या डीमैट में लोगे? टिकट आप बुक कराते हैं रेलवे का, बोलते हैं ना प्रिंटआउट चाहिए या चल जाएगा डिजिटल, पेपर बचाओ डिजिटल रख लो भाई, प्रिंटआउट की जरूरत नहीं है। आप कह रहे नहीं डीमैट में दीजिए, क्योंकि अगर आप फिजिकल सर्टिफिकेट मांगेंगे कंपनी के, लाओ सर्टिफिकेट का 500 रुपए भेज दो, और डिजिटली इट इज फ्री बेसिकली, इज दैट क्लियर? और कल को जब आपको बेचना होगा तो ऑब्वियस सी बात है उसको पहले डिजिटली कन्वर्ट तो कराना ही कराना है। समझ में आ गया व्हाट इज अ डीमैट अकाउंट? तो डीमैट अकाउंट इज अ वर्चुअल अकाउंट वेयर यू स्टोर इन डिजिटल फॉर्म ऑल ऑफ योर सिक्योरिटीज। तो अभी तो इंडिया में शेयर्स और डिबेंचर्स को ही डीमैट में स्टोर करते हैं, बट मुंबई और कुछ मेट्रोपॉलिटन सिटीज में प्रैक्टिस स्टार्ट हो चुकी है, आप अपने बैंक के एफडी को भी डीमैट में रख सकते हो, इज दैट क्लियर? बट प्रैक्टिकली ओनली शेयर्स का डेटा ही और डिबेंचर्स का डेटा ही डीमैट में रहता है। बात समझ में आई? तो अब जब आपको शेयर बेचना है बच्चों, कोई टेंशन नहीं, क्या पोस्टल प्रॉब्लम होगी, क्या डिले होगा, क्या फर्जी सर्टिफिकेट बन पाएगा, और जब आपने कोई कागज तैयारी नहीं किया, क्या स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ेगी? नो। तो जब आप शेयर बेचेंगे, आप अपने ब्रोकर को बोलेंगे भाई मेरा डीमैट अकाउंट नंबर ये है, वहां से शेयर निकाल के दे दो, एक क्लिक करेगा शेयर्स चले जाएंगे, जैसे गूगल पे से पैसा जाता है डिजिटली, एल्स आप बैंक जाएं, बैंक से पैसा निकालें, जिसको देना है उसके यहां जाएं, उसको पैसा दें, गिनवाएं, दुनिया का नाटक है। गिरी से गिरी हालत में भी अगर मान लीजिए 1 किलोमीटर के अंदर भी वो पर्सन रहता है तो बैंक जाना, उसके यहां जाना, फिर चाय पानी भी पियो, वो भी खर्चा पड़ता है भाई, आए तो चलो पैसा देने, 10 रुपए चाय पिला दो इनको, तो अब ये सब करने में 1-2 घंटे का टाइम तो लग ही जाएगा। गूगल पे बस जितना प्रोसेसिंग में 2-4-10 सेकेंड, 1 मिनट मान लीजिए, 1 मिनट भी नहीं लगता, 2-4-10 सेकेंड ही लगेगा। तो जब कंपनीज के नए आईपीओ आते हैं ना बच्चों, ये कंपनीज ब्रोकर्स को कमीशन देती है एक्स्ट्रा, कहती है काम करो, लोगों को बोलो डीमैट अकाउंट खुलवाओ और हमारे आईपीओ में सब्सक्राइब करो। बात समझ में आई? तो अगर मैं कोटक सिक्योरिटीज हूं, रैली गेयर हूं, एंजल ब्रोकिंग हूं, और मेरे को मुकेश अंबानी बोलते हैं भाई हमारे शेयर बिकवाइए, लोगों को बोल के तारीफ करिए, मैं ऐसे 50 लोगों को जानता हूं जिनका डीमैट अकाउंट है ही नहीं, उन 50 को पकड़ लूं, 50 को समझाऊं, 30 तो डीमैट खुलवा ही लेंगे, मेरा क्या फायदा होगा भाई? डीमैट उनका मैंने जब खुलवाया तो कमीशन मिली डीमैट खुलवाने में, और क्या फायदा है? मुकेश अंबानी के शेयर्स जब सब्सक्राइब करवाऊंगा वो अलग कमीशन देंगे, और लोगों का क्या फायदा है भाई? उनको एक अच्छा इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। इज दैट अंडरस्टूड व्हाट इज अ डीमैट अकाउंट? हो पड़े बात गई? तो एज ऑफ टुडे अगर आप शेयर मार्केट में बाइंग सेलिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? डीमैट अकाउंट, उसके आगे ही बताता हूं। देयर आफ्टर आपको खोलना पड़ेगा एक ट्रेडिंग अकाउंट। अरे सर ये तो हम फाइनल अकाउंट में पढ़े हैं अकाउंटिंग में, अरे वो ट्रेडिंग अकाउंट फर्क होता है, ये फर्क होता है। और उसके बाद आपके पास होना चाहिए एक बैंक अकाउंट, पैसे के मूवमेंट के लिए बैंक अकाउंट, शेयर के मूवमेंट के लिए डीमैट, शेयर खरीदेंगे तो डीमैट में आएगा और उसका पैसा बैंक से जाएगा, शेयर बेचेंगे तो डीमैट से शेयर जाएगा और उसका पैसा बैंक में आएगा। ये मनुष्य क्या है, ये मनुष्य क्या है? ये है ब्रोकर अंकल के ऑफिस में आपकी आइडेंटिटी, आपकी आइडेंटिटी। तो जैसे आपके स्कूल में आपका एक एनरोलमेंट नंबर होगा,
एनरोलमेंट नंबर होगा, ये एनरोलमेंट नंबर जब तक आप उस स्कूल में रहेंगे या पास करके ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेके चले भी जाएंगे तब भी आपका एनरोलमेंट नंबर चेंज नहीं होगा, तो वो होता है डीमैट। इज दैट क्लियर? हर क्लास में आपका रोल नंबर आगे पीछे हो सकता है, फेल होने की वजह से कुछ बच्चों का, न्यू एडमिशन की वजह से, दैट इज योर ट्रेडिंग अकाउंट। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? तो डीमैट अकाउंट एक इंसान का जनरली एक होना चाहिए। ट्रेडिंग अकाउंट कितने भी हो सकते हैं, आप मोतीलाल ओसवाल में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वहां ट्रेडिंग अकाउंट अलग होगा, एंजल ब्रोकिंग के यहां जाके ट्रेडिंग कर रहे हैं तो अलग, जीरोधा में अगर बाइंग सेलिंग कर रहे हैं तो अलग, ग्रोस स्टॉक डाउनलोड किया तो ट्रेडिंग अकाउंट आपके अलग अलग होते जाएंगे। इज दैट क्लियर? बैंक अकाउंट HDFC में भी है, ICICI में भी है, SBI में भी है, पंजाब नेशनल बैंक में भी है, जहां चाहे वहां से पैसे का लेन देन कर सकते हैं, बट डीमैट अकाउंट एक होना प्रेफरेबल है, एक होना। आप चार पांच खोल लीजिए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बट अगर एक होगा तो आपके लिए आसानी होगी। कोई ये इलीगल नहीं कि चार डीमैट अकाउंट नहीं हो सकते, आप 400 बनाओ, आपको पैसा देना पड़ेगा डीमैट अकाउंट का, बस फ्री में नहीं मिलता है ये। इज दैट क्लियर? हाँ, कुछ ब्रोकर फ्री में देते हैं, अपने पास से पैसा लगाते हैं, कंपनी का शेयर सब्सक्राइब करवाते हैं और कंपनी से कमीशन ले लेते हैं। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो जैसे मारुति की गाड़ी खरीदने जाइए, वो लोग पानी पिलाते हैं बस, होंडा की गाड़ी खरीदने जाइए, वो बर्गर पिज्जा भी खिला देंगे, तो पैसा अपनी जेब से थोड़ा देंगे, होंडा वालों से मांग लेंगे उतना पैसा कि भाई 2 लाख रुपए महीने का रिफ्रेशमेंट है कस्टमर्स का। सो पीपल अंडरस्टूड व्हाट इज डीमैट? अब आगे की कहानी इसी के आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए कि मैंने शेयर खरीदा 5 लाख रुपए का किसी कंपनी का और मेरे डीमैट अकाउंट में आ गया। अब मेरे को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बुलाया जा रहा है कि सर आपको फाइनेंशियल लिटरेसी के बेसिक लेक्चर्स देने हैं, क्योंकि हमारे बच्चे भी फाइनेंशियल लिटरेसी में थोड़ा कमजोर हैं। मैंने कहा ठीक है, आ जाएंगे, और 5 साल के लिए US गवर्नमेंट के साथ एक प्रोग्राम साइन कर लिया। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। अब मैं तो 5 साल US में ही रहूंगा, इंडिया में तो रहूंगा नहीं, तो हर साल मेरे डीमैट अकाउंट का चार्ज है 5,000 रुपए। कितना? तो 5 साल का 25,000 तो ऐसे ही लग जाएगा फालतू में। तो भाई फायदा है क्या डीमैट अकाउंट रखने का? नो। बट सर फिर आप शेयर कहां रखेंगे? मैं बोलूंगा कंपनी से कि भाई आई एम गोइंग टू US और अगले 5 साल मेरा वापस आने की कोई उम्मीद खास है नहीं, तो एक काम करो, मेरा डीमैट अकाउंट बंद कर दो और जो मेरे शेयर्स हैं वो डिजिटल से कन्वर्ट कर दो फिजिकल में। तो डिजिटल से फिजिकल में कन्वर्ट होने में मान लीजिए 6 कंपनी के शेयर थे 5 लाख के, हर कंपनी 500-500 रुपए मांग रही है, तो 3,000 तो लगेगा, ऐसे तो 5 साल का 25,000 लग जाएगा। तो जैसे डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म भरा था हम भरेंगे अब कौन सा फॉर्म? रीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म। तो अब हमारे शेयर डिजिटल से कन्वर्ट हो जाएंगे फिजिकल में, हम शेयर अपनी अलमारी में रख देंगे यहां पे या US साथ ले जाएंगे, और कुछ साल के बाद जब वापस आएंगे और बेचने का मन करेगा तो वापस उन्हें क्या करवाना पड़ेगा? पहले डीमटेरियलाइजेशन। समझ में आया कि नहीं आया? इस प्रोसेस को देखते हुए काफी ब्रोकर सोच रहे हैं यार नुकसान हो सकता है, कस्टमर भाग सकता है, तो कस्टमर को एक बोल देते हैं ऑटो होल्ड इन डीमैट, आपको ऑटो होल्ड करा देते हैं, मतलब डीमैट अकाउंट आप खोले रहिए हमारे यहां, भागिए मत, हम आपके चार्जेस रिड्यूस कर देंगे, 5,000 रुपए साल की बजाय पे अस ओनली 500। कस्टमर तो नहीं भागेगा कम से कम, तो सर ब्रोकर का नुकसान नहीं होगा, चलो थोड़ा सा होगा भी, तो कल को जब वो शेयर बेचेगा उतनी कमीशन कमा लेंगे हम, भाग गया तो वो भी कमाने का मौका नहीं मिलेगा ना। इज दैट अंडरस्टूड? समझ गए व्हाट इज डीमैट, व्हाट इज रीमैट, व्हाट इट क्लियर? चलिए, तो डीमैट की सेवाएं होती हैं समाप्त।